हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसा कि फ्रेंड्स, मैं हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया सोल्यूशन लेकर आता हूं, और आज मेरे पास फ्रेंड्स ओप्पो का F9 प्रो हैंडसेट है, जो कि पावर की दबाने के बाद बार बार रीस्टार्ट होता है। जैसे कि आप यहां पे डिस्प्ले पे देख सकते हैं, ये हैंडसेट जो है बार बार रीस्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, रीस्टार्ट होने के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हैंग ऑन लोगों होने के काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं। पिछला वीडियो मैंने डाला था एक UFS बेस्ड रेडमी K20 का एक हैंडसेट का मैंने वीडियो डाला था, जिसमें उसका अपडेट होने के बाद वो प्रॉब्लम आ रही थी। और आज जो मेरे पास हैंडसेट है फ्रेंड, इसमें आप देख सकते हैं रीस्टार्ट का प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, अगर रीस्टार्ट का जो प्रॉब्लम है, पावर की के पत्ते से भी होता है, बैटरी से भी होता है, शॉर्टिंग की वजह से भी होता है, सॉफ्टवेयर की वजह से भी होता है, और EMMC की वजह से भी होता है। तो ये कैसे जानना है आपको कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, ये आपको हम लाइव क्लास के अंदर आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, ये गारंटी है मेरी, आपके पास अगर से इस तरह के फॉल्ट आते हैं तो ये वीडियो में हमने कोशिश की है आपको A to Z पूरा एक सोल्यूशन देने की कोशिश की है। जो ये वीडियो पूरा अगर आप देखेंगे विदाउट स्किप करें, ये मेरा गारंटी है, आप 100% इस तरह के फॉल्ट को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड, फोन फिक्स हैदराबाद की टीम आपके लिए एक नए नए सॉल्यूशंस लेकर आती है, और आज इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने पूरा डिटेल में बताया है। ये देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसके शील्ड को रिमूव कर रहे हैं, जो कि इसके MMC के पास आसपास जो शील्ड लगी हुई है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको ISP करना है तब भी आपको ये शील्ड हटानी पड़ती है, या फिर अगर आपको IC को खोलना है तब भी आपको ये वाले पत्रे को हटाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, एक सेव मेथड होता है इसको हटाने का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे सेव मेथड से इसको रिमूव करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये जो सब टेक्निक है, ये हैंड स्किल का काम है, ये हम सिखाते हैं स्टूडेंट को लाइव प्रैक्टिकल हमारी क्लास के अंदर। 20 दिन की क्लास होती है। नेक्स्ट बैच डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं ब्लिंक हो रहा है। 27 मार्च से हमारा बैच है, जिसमें लिमिटेड सीटें हैं, अगर आप चाहे तो सीट कन्फर्म करा सकते हैं। और अगर ओनली MMC का ही काम सीखना है आपको, क्योंकि फ्रेंड्स एक MMC का एक अलग टॉपिक है, अगर आपको हार्डवेयर में कुछ भी काम नहीं आता है तब भी आप MMC का काम सीख सकते हैं। एक फ्रेशर है आप तब भी MMC का काम सीख सकते हैं, क्योंकि हम आपको पहले सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, उसके बाद MMC प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। उसके साथ साथ ये जो IC खोल रहे हैं फ्रेंड्स, ये ओप्पो का F9 प्रो हैंडसेट है। इसमें हार्ड ग्लू होता है, ओप्पो का ब्लैक पेस्टेड ग्लू होता है, जो कि हम आपको सिखाएंगे क्लास के अंदर। MMC की 10 दिन की क्लास होती है, 10 घंटा प्रैक्टिकल क्लास, रहने के लिए रूम फ्री होता है फोन फिक्स हैदराबाद की टीम की तरफ से, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता है। साथ साथ आपको डुअल लेकर CPU किस तरह से क्लीनिंग करते हैं, कैसे खोला जाता है, कैसे उसको लगाया जाता है, ये हम एक्स्ट्रा में आपको डुअल लेकर की क्लास देते हैं, DSO की क्लास देते हैं, शॉर्टिंग को कैसे फाइंड आउट करना, ये MMC के अंदर हम सिखाते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच 17 अप्रैल से है हमारा MMC का कोर्स। और अगर एंड्रॉइड का एक बेसिक से जीरो लेवल से भी अगर आप सीखना चाहते हैं, तो हम जीरो लेवल से सिखाते हैं। कोई काम आप बिल्कुल नहीं करते हैं, बस आप मोबाइल खोलना सीख कर आ जाइए, स्क्रू वगैरह कैसे खोला जाता है ये आप देख कर आ जाइए। एक 8 दिन 10 दिन एक घर के पास कोई भी एक टेक्नीशियन है, कोई भी एक शॉप है, उसके साथ बैठ के मोबाइल खोलना और फिट करना सीख कर आ जाइए। मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, फोन फिक्स की पूरी टीम आपको यहाँ पे सिखाएगी एक सर्किट लेवल पे काम, कैसे आपको हैंड स्किल का काम करना है, कैसे ICM को खोलना है, कौन से सेक्शन में कब काम करना है, कैसे फॉल्ट को हमने डायग्नोस किया, कैसे डायरेक्टली हम MMC को खोल रहे हैं, क्यों हमने CPU नहीं खोला, क्यों हमने पावर नहीं खोला, क्यों हम DC to DC IC को चेंज नहीं किया, ये हम आपको क्लास के अंदर बताते हैं। क्योंकि फ्रेंड, सालों का हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस फैकल्टीज है हमारे यहाँ पे, जो आपको अपना सालों का जो तजुर्बा है वो आपके साथ शेयर करेंगे, वो टेक्निक्स आपको बताएंगे। ये देख सकते हैं आप AIC को कैसे खोला जा रहा है, इसके प्रॉपर टूल्स होते हैं, प्रोफेशनल टूल्स होते हैं, जो हम आपको क्लास के अंदर लाइव आपको देंगे। 20 दिन आपके पास पूरे आपके पास एक प्रोफेशनल टूल्स होंगे, जिसके साथ आप ये काम सीख सकते हैं। दोस्तों, कहीं भी जा रहे हो देखिए उनके पास क्या टूल्स वो दे रहे हैं, किस तरह का वो काम सिखा रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन पहले देख लीजिए जो टूल्स दे रहे हैं वो प्रोफेशनल है कि नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमारे मास्टर्स है, जितने भी मास्टर्स है, सब लोग हैंड स्किल का काम करते हैं, सबके पास सर्किट की नॉलेज है, सबके पास MMC UFS प्रोग्रामिंग हो या MMC प्रोग्रामिंग हो, MMC अनलॉकिंग हो, जितना भी काम है UFI इजी जेटैक का, सब कुछ हमारे पास एक्सपीरियंस फैकल्टी है, जो कि आपको क्लास में लाइव दिखाते हैं।
ये जो हैंडसेट है फ्रेंड हमारे 17 मार्च के बैच के स्टूडेंट का ही हैंडसेट है, जो कि हम क्लास के अंदर लाइव ये बता रहे हैं स्टूडेंट्स को। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे जितने भी हैंडसेट हम रिपेयर करते हैं सब स्टूडेंट्स के ही होते हैं, हमारे पास कोई हैंडसेट ऐसा नहीं होता है जो हम इंस्टीट्यूट की तरफ से हम यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्लास है, क्लास चल रही होती है तो स्टूडेंट्स के हैंडसेट हम लेते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लेते आपसे। जो हैंडसेट रिपेयर होते हैं उसमें भी आपकी काफी सारी फीस रिकवर हो जाती है। फ्रेंड्स इंडिया का एक बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है फोनफिक्स हैदराबाद, जहां पे बच्चों को हम सिर्फ टेक्नीशियन ही नहीं एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनाते हैं। जो बच्चे जाकर के हम जो उनको डाटा देते हैं, हम जो उनको सॉफ्टवेयर के वीडियोस देते हैं, हम जो उनको MMC की वीडियोस देते हैं, हम जो उनको हार्डवेयर में पूरा सर्किट डायग्राम उनके हाथ से हम ड्रॉ करने लगाते हैं, एक एक सर्किट की एक एक लाइन के बारे में बताते हैं, हर एक लाइन के वोल्टेज मेजरमेंट, आपको सिग्नल कहाँ पे आ रहा है DSO से चेकिंग बताते हैं, आपको कहाँ कहाँ पे कौन से सिग्नल चेक करना है, क्या मेगाहर्ट्ज़ क्या किलोहर्ट्ज़ चल रहा है, सब कुछ A to Z हम स्टूडेंट को बताते हैं कैसे पावर ऐसी काम कर रही है। ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स BGA 254 ये MMC है, इसको रिवॉल्विंग भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है फ्रेंड्स, हर एक स्टेप मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। ये वीडियो अगर आप एक बिल्कुल स्किप नहीं करके अगर पूरा देख लेंगे, मेरा ये गारंटी है इस तरह के फॉल्ट्स आपके पास आएंगे तो आप 100% उसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास UFI बॉक्स और EasyJet एक बॉक्स है तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स जो MMC के अंदर एरर्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको इंटरनली हमको MMC को प्रोग्रामिंग बॉक्सेस के साथ कनेक्ट करके देखना होता है, चेक करना होता है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। जो हम UFI UMT वगैरह होता है उसके अंदर एक आइडिया तो हमको लग जाता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, रीड इन्फो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सेंडिंग पिंग एरर आ रहा है, हैंडशेकिंग एरर आ रहा है, या फिर कोई कॉम्पोर्ट का एरर आ रहा है, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वन शॉट में हमने MMC को रिवॉल्व कर लिया है, इसको क्लीन करेंगे, उसके बाद हम इसे UFI के एडेप्टर में लगाएंगे, उसके बाद UFI का MMC टूल बॉक्स हम ओपन करेंगे, उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये IC अच्छे से रिवॉल्व हो चुकी है, थोड़ा सा इसको मैं एयर हीट दे करके साफ कर लेता हूँ, सुखा लेता हूँ। चलिए यहाँ पे अब हम इसको ये देख सकते हैं आप, हमारे मास्टर सगीर सर है यहाँ पे, MMC प्रोग्रामिंग तौफिक सर है, यहाँ पे आपको सागर सर मिलेंगे हार्डवेयर एक्सपर्ट हार्डवेयर मास्टर, सगीर सर मिलेंगे हार्डवेयर मास्टर, यहाँ पे प्रोग्रामिंग के लिए आपको तौफिक सर मिलेंगे, और स्कीमेटिक सर्किट डायग्राम के लिए आपको फेरो सर यहाँ पे मिलेंगे, जो कि आपको एक हमारी पूरी टीम है फोनफिक्स की, जो कि आपको एक प्रोफेशनल बनाने में यहाँ पे आपको मदद करेगी। आपके साथ हम क्लास के अंदर होते हैं फ्रेंड 10 घंटा, 1 मिनट के लिए भी आपको नहीं छोड़ते हैं हम लोग, क्योंकि फ्रेंड्स आप यहाँ पे जब हमारे पास आ जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, और हमारे यहाँ पे कोई संडे मंडे छुट्टी नहीं होती है फ्रेंड्स, महीने का 30 दिन इंस्टीट्यूट खुला रहता है, आप कभी भी आ सकते हैं और कभी भी इंस्टीट्यूट से आकर के हमसे मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये EMET Pro का मेरे पास एक यूनिवर्सल बॉक्स है, जो कि UFI के साथ कनेक्ट हो जाता है, ZTAC के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, Medusa Pro के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, तो इसे कैसे यूज़ करना है वो तो हम क्लास में ही सिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने IC कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे लैपटॉप में अभी हम ओपन करेंगे UFI का MMC टूल, क्योंकि पिछला वीडियो हमने UFS पे बनाया था, वो वीडियो भी देख लीजिए आप। अगर आपके पास अपडेट की वजह से हैंडसेट अगर लोगों पे अटक जाता है तो उसे कैसे रिपेयर करना है ये हमने आपको उसमें पूरा बताया है। दोस्तों इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस हम लाते रहेंगे, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है दोस्तों उसे दबा लीजिए, ताकि हमारे चैनल के साथ आप जुड़ के रहें। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो नया नया अपलोड करता हूँ इमीडिएटली आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, हर एक वीडियो अगर आप देखते रहेंगे इसी तरह से तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तब भी हमारे वीडियोज़ देखिए आप, अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर व्हाट्सअप कर लीजिए और हमसे रابطہ करिए, हमसे आप एक बार बात करिए अगर अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं। दोस्तों इंडिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कहाँ जाना कैसे जाना जाए कि ना जाए कौन सा इंस्टीट्यूट जाए। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी काम होता है जेन्युइन होता है, कोई मैं फेक चीज़ यहाँ पे नहीं बताता हूँ, गारंटी के साथ मैं यहाँ पे बताता हूँ जो भी बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स नीचे ये MMC के अंदर जो प्रॉब्लम है इसका हेल्थ जो है ये बैड हो चुका है, 90% कंज्यूम्ड हो चुकी है इसकी MMC। नीचे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको इसका हेल्थ फिर से चेक करके बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर से आ चुका है अर्जेंट कंज्यूम ऑफ द
90% ऑफ द रिजर्व ब्लॉक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम यही है, इसकी हेल्थ खराब हो चुकी है, इसे आपको रिपेयर करना होगा। और इसे हम एक बार रिपेयर कर सकते हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं CPH 1823 जो कि ओप्पो F9 Pro ये हैंडसेट है। और यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इसका बैकअप लेना होता है, एक्सक्लूड यूज़र डंप हम यहाँ पे इसका ले लेंगे। और जब ये पूरा रीड हो जाएगा फ्रेंड्स, हम इसके बाद इसकी हेल्थ जो है उसे रिपेयर करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल स्किप करें, पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि फ्रेंड्स में बहुत सारे एरर्स आते हैं, एरर कोड्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये पहचान सकते हैं कि हमको क्या आगे काम करना है। बहुत सारे UFI के एरर्स होते हैं और EMC में बहुत सारे एरर्स आते हैं जिसको हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको रीड कर लेते हैं, यस कर देंगे एक बार ताकि ये ऑटोमेटिकली जो है UFI की डायरेक्टरी में ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये बैकअप हो रहा है, और क्योंकि बैकअप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वीडियो में स्किप करूँगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट ना हो। तो ये पूरा बैकअप हो जाता है तो फिर उसके बाद हम इसे कैसे इसका हेल्थ रिपेयर करें है ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो जो है ना थोड़ा सा कम्प्लीटली देखिए ताकि इस तरह की प्रॉब्लम आए आपके पास, चाहे कोई भी ओप्पो वीवो का या वन प्लस का कोई भी हैंडसेट हो, आप इस मेथड से बहुत ही ईजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट शर्त यह है कि आपके पास UFI का बॉक्स होना चाहिए या तो इजी अटैक बॉक्स होना चाहिए, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों क्या होता है, एक बेसिक सा काम होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कहीं पे बच्चे पूछते हैं सर वहाँ फीस कम है या इंस्टीट्यूट पास में पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, फीस कम होगी तो वो उतना ही सिखाएंगे जितनी वो फीस ले रहे हैं, और हमारा फीस इंडिया में सबसे हमने कम फीस रखी है, ज़्यादा फीस बिल्कुल भी नहीं रखी है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं फ्रेंड एक भरोसे से आते हैं और उनको हम समझते हैं कि वो बहुत मेहनत से पैसे जोड़ कर आते हैं। तो हर बच्चा जो है बहुत मेहनत से पैसे जोड़ता है और इसी कारण है कि हम बच्चे को रहने के लिए रूम भी फ्री देते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हमारे पास, और दो बार आ सकते हैं आप, दोबारा भी आना चाहे तब भी हम रूम का कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, कोई भी हम क्लास का फीस दोबारा भी नहीं लेते हैं। और हमारे पास सीख कर जाने वाला बच्चा बहुत कम बार दोबारा आते हैं फ्रेंड्स, जो कि जाकर से अगर कभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या टूल्स नहीं ले रहे हैं तभी वो वापस आएंगे, अदरवाइज हमारा ये गारंटी है फ्रेंड्स। हम इस तरह से उनके माइंड में एक एक चीज़ें बिठा देते हैं कि वो बहुत ही ईजिली अपने काउंटर पे बैठ के काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैकअप हम रीड कर रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ पे इसका जो एरर्स है वो एरर्स को हम यहाँ पे सुधारेंगे, कैसे उसको एरर्स को हटाना है। जो EMC का 90% कंज्यूम हो गया उसको हम बहुत ही ईजिली यहाँ पे हम उसे रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों कुछ भी काम करने से पहले बैकअप लेना मत भूलिए आप, क्योंकि दोस्तों अगर आप सिक्योरिटी बैकअप नहीं लेंगे, नेटवर्क की फाइल्स नहीं लेंगे, बेसबैंड और जो कि आपकी नेटवर्क की फाइलें होती है वो अगर आप नहीं लेंगे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों पहला काम यही करना है आपको, जैसे ही आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आप बैकअप ज़रूर ले लीजिए सिक्योरिटी फाइल्स को, और एक छोटा सा उसका डंप ले लीजिए 512 का, ताकि आप कोई भी हैंडसेट को वापस से उस फाइलों को यूज़ करके जो डंप आप लेंगे उसे आप लोगों तक ला सकते हैं, बहुत ईजिली आप उसे फ्लैशिंग करके ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं EMC प्रोग्रामिंग में जाना है आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चारों जो बॉक्सेस दिख रहे हैं उसे चेक लगाना है, एक बार इसको राइट कर देना है, इसको GP राइट बोलते हैं फ्रेंड्स, या फिर रीपार्टीशन करना भी इसी को बोलते हैं।
तो ये जीपी को राइट कर देना है आपको। राइट डन जैसे हो जाएगा, एक बार हम इसे वापस से आइडेंटिफाई करेंगे, और जैसे आप आइडेंटिफाई करके देखोगे आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत इजीली वो एरर्स हट जाएगा। अगर ये एमएमसी अगर सैमसंग ब्रांड की होती तो उसका कुछ अलग मेथड है जो कि हम आपको क्लास में सिखाएंगे, या ऑलरेडी हमने वीडियो भी डाला है उसमें। देखिए वापस से मैं यहाँ पे हेल्थ को चेक करके बता रहा हूँ आपको, वो एरर जो था हमारा हट चुका है, अभी नॉर्मल हो चुका है एमएमसी का हेल्थ, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में, जहाँ पे पहले अर्जेंट कंज्यूम 90% आ रहा था। यहाँ पे ओप्पो का वही मॉडल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो फाइल हमने पहले इसकी बैकअप ली थी, तो उसी फाइल को हम यहाँ पे वापस से डालेंगे, जो कि हमारे सी ड्राइव में UEFI के फोल्डर में हमने यहाँ पे बैकअप करके रखा था। जैसे कि आप देख सकते हैं ओप्पो में, ये देख सकते हैं यही दो फाइल्स है जो कि हमने बैकअप ली थी। ये देखिए एक्सक्लूड डंप जिसका हमने बैकअप लिया था, इसी को हम वापस से राइट कर देंगे, और जैसे हम इसे राइट कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसे कैसे सेलेक्ट करना है यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर वाली फाइल जो है वही फाइल है, चारों ऑटोमेटिकली सेव हो गए। 7 GB का यहाँ पर यूज़र एरिया इसका बना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने राइट कर दिया है, और ये राइट जैसे ही हो जाएगा फ्रेंड्स तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं होता है, ये पूरा देखेंगे हम एंड तक। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिए। एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा फ्रेंड्स से कि अगर प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनना है, अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और एमएमसी का काम सीखना है, ज़रूर ज़रूर एक बार फोनफिक्स हैदराबाद ज्वाइन करिए। यहाँ वहाँ जाकर अपना पैसा और अपना टाइम बर्बाद करने से फ्रेंड्स अच्छा है कि आप एक बार फोनफिक्स हैदराबाद की टीम के साथ जुड़ जाइए। हम लाइफ टाइम आपको सपोर्ट देते रहेंगे और एक अच्छे लेवल पे आपको सिखाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास जो फैकल्टी है सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी है। यहाँ पे सिर्फ बातें नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है काम। तो यहाँ पे मैं आपको जो भी बता रहा हूँ लाइव प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको बस ऐसे ही हाइड करके कोई चीज़ें बता रहा हूँ। पूरा A to Z मैंने इस वीडियो में बताया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। इस तरह का सेम आप प्रोसेस करिए। आपके पास कोई भी लोगों पर हैंडसेट आता है या रिस्टार्ट प्रॉब्लम में आता है तो इस तरह का आपको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों MMC में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे एरर्स आता है, सिर्फ लोगों पर ही सेट नहीं आता है। MMC में 90% कंज्यूम हो जाता है या डेड बूट हो जाती है, उसकी जो बूट पार्टीशन फाइल होती है वो उसमें चेंजेस हो जाते हैं, उसको वापस से सुधारना होता है, या अगर आप कंपनी की तरफ से जो अपडेट आता है उसमें आप अपडेट कर देते हैं तो उसमें कुछ अलग तरह का एरर आ जाता है, या फिर MMC टोटली डैमेज हो जाती है तो उसमें कुछ अलग तरह का एरर आ जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं MMC में, तो वो सब कुछ अगर आपको सीखना है तो ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद। डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप करिए, डिटेल ले लीजिए, और व्हाट्सअप पर जरूर मैसेज करके हमसे एक बार बात जरूर करें क्या आप सीखना चाहते हैं, क्या लेवल का अगर आप काम करते हैं। दोस्तों कहीं भी जाना है सोच समझ के जाइए, बिल्कुल पास में जो इंस्टीट्यूट पड़ता है बिल्कुल भी वहां पे मत जाइए। आप ये देखिए कि कहां पे बच्चों को अच्छे से सिखाया जा रहा है, फीस कहां पे कम है ये भी मत देखिए, कहां पे बच्चे किसी इंस्टीट्यूट का अगर से बहुत बड़ा नाम है उसे भी मत देखिए। आपको दोस्तों क्योंकि मेहनत से पैसे आप जमाते हैं, आप ये देखिए कि वहां के बच्चे निकलने के बाद कुछ काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिर्फ क्लास में तो बोलते हैं कि काम कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस। जाने के बाद काम करना चाहिए। और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मेरे फेसबुक पे जाइए या मेरे व्हाट्सअप के स्टेटस पे जाइए, हमारे 3 नंबर है, किसी भी नंबर आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, इनके स्टेटस पे जाके देखिए डेली जो बच्चे काम करते हैं, हर रोज के पोस्ट आपको वहां पे देखने मिलेंगे जो हमारे बच्चे ग्रुप्स में काम करते हैं, एक दूसरे से नॉलेज अपनी शेयर करते हैं, प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, एक दूसरे को वो हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे सारे फैकल्टी होते हैं जो आपको व्हाट्सअप में आपको टाइम टू टाइम आपको सोल्यूशन देते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं। कहीं भी आप फंस जाते हो तो वहां से आपको वहां से हम इजिली सोल्यूशन दे देते हैं कि आगे आपको क्या काम करना है। इसी तरह से आपको भी हम सोल्यूशन देते रहेंगे। फोनफिक्स की टीम बहुत ही बड़े बड़े अपडेट्स लेकर आने वाली है, तो आप भी रेडी हो जाइए अपडेट्स को देखने के लिए, अपडेट्स के साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइल जो है पूरी राइट हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में प्ले कर रहा हूँ, जैसे ये सारा का सारा राइट हो जाता है तो मैं वहां से आपको बताऊंगा कि हमारा IC वगैरह लगाकर पूरा पूरा बताऊंगा मैं। बिल्कुल भी आप स्किप मत करिए, वीडियो पूरा देखिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो यहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ।
फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी फाइल राइट हो चुकी है। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक बार आइडेंटिफाई कर देता हूँ, और आइडेंटिफाई करने के बाद बताता हूँ यहाँ पे एंड्रॉयड की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नहीं आ रही है। ऊपर आपको पर्पल बटन पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं जो हमने फाइल राइट की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल का नंबर आ चुका है, एंड्रॉयड की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, और बूट पार्टीशन 1 जो है इसका एनेबल हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा एरर था वो एरर यहाँ पे अभी भी हट चुका है, कोई एरर नहीं है यहाँ पे फाइल को राइट करने के बाद, यानी हमने जो प्रोग्रामिंग की है वो यहाँ पे सही से प्रोग्रामिंग हमारी हो चुकी है। तो ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए फ्रेंड्स, इससे आप ज़रूर फॉलो करिए। अगर आपके पास कोई भी इस तरह से रीस्टार्ट का प्रॉब्लम अगर MMC से आता है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि MMC से फॉल्ट है कि नहीं है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो प्रोग्रामिंग थी वो हो चुकी है। चलिए मैं बढ़ता हूँ अभी हमारे माइक्रोस्कोप की तरफ और देखते हैं IC को लगा करके कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जो PCB था उसे क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि हमने IC को क्लीन किया था, रिवॉल्व किया था, और यहाँ पे थोड़ा सा PCB को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद IC को लगाएंगे। और IC को लगा के मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि हमारा जो फॉल्ट है कि वो दूर होता कि नहीं होता। ये देख सकते हैं आप, ये ब्लैक पेस्टेड हार्ड ग्लू ओप्पो का हैंडसेट है, और PCB पूरा आपको ग्लू लगा हुआ है। ये ग्लू अगर नहीं निकलेगा तो आपका IC इस पर बैठेगा नहीं और हैंडसेट आपका ऑन नहीं होगा। और ये आपको एयर हीट और कैसे उसको क्लीनिंग करनी है, ये सब टेक्निक आपको मैं क्लास में सिखाऊंगा, लाइव प्रैक्टिकल, बहुत ही इजी वे में। कोई बॉल डैमेज नहीं होगा, कोई IC डैमेज नहीं होगा, यहाँ पे हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी, एक एक बच्चे का हाथ पकड़ के हम यहाँ पे सिखाते हैं। अगर आप फ्रेशर है तो भी कोई बात नहीं, अगर आप पहले से काम कर रहे हैं, अगर प्रॉपर काम नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हमारे पास जो टेक्निक जो ट्रिक्स है फ्रेंड्स, इसी से हमारा काम बन जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स सालों का एक्सपीरियंस है और काम को करने का एक तरीका, हर काम को करने का एक तरीका होता है, क्योंकि फ्रेंड्स काम तो सो हर कोई करता है लेकिन उसे करने का एक तरीका होता है। कोई उसे आप देखते हैं, कोई भी अगर आप काम किसी को देते हैं तो कोई बंदा उसे आधे घंटे में करता है, कोई 15 मिनट में करता है, और कोई 5 मिनट में कर देता है। ये अपना अपना काम करने का नज़रिया होता है, एक्सपीरियंस होता है, तरीका होता है, टेक्निक होता है। यही हैंडसेट अगर आप किसी दूसरे बच्चे को दे देंगे तो एक एक घंटा IC को या फिर PCB को क्लीन करने में लगा देगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो टेक्निक्स होती हैं और जो ट्रिक्स होती हैं ये आपको कहीं पे मिलेगी नहीं YouTube पे, जो भी बताएंगे फेक बताएंगे। अगर आप उसके साथ YouTube देख देख कर काम करने जाएंगे तो आपका काम सक्सेस बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि हज़ारों लाखों वीडियोस है YouTube पर, उसके बावजूद भी आपका काम सक्सेस नहीं होता है। अगर आप चाहे तो ट्राई करके देख लीजिए, आपका PCB डैमेज हो जाएगा या तो आपका सेट डेड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही चीज़ होती है, एक मास्टर के साथ, एक गुरु के साथ, एक टीचर के साथ बैठ के आपको काम सीखना होता है। ये एक जो चीज़ है आपको सिखाती है फोनफिक्स हैदराबाद की टीम, एक एक बच्चे के साथ बैठ के हम यहाँ पे टाइम देते हैं, 10 घंटा आपके साथ रहते हैं, बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ते हैं फ्रेंड्स, जब तक कि आपका हैंड स्किल अच्छा नहीं हो जाता, जब तक आप एक अच्छे मास्टर नहीं बन जाते, एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन नहीं बन जाते, फोनफिक्स हैदराबाद की टीम आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाली। जब तक फोनफिक्स हैदराबाद दुनिया में रहेगा तब तक आपके साथ हम रहेंगे, जब तक आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे फ्रेंड्स तब तक फोनफिक्स हैदराबाद की टीम तो आपके साथ ही रहेगी। यही हमारा एक एम है फ्रेंड्स कि हर बच्चा एक अच्छे से काम करे, एक प्रोफेशनल टाइप में काम करे। पेज डाल रहे हैं, हीट मार रहे हैं, CPU पे हीट मार रहे हैं, पावर पे हीट मार रहे हैं, MMC निकाल दे रहे हैं, मालूम ही नहीं कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, यही चीज़ आपको हम सिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं बाजू में CPU, हमने CPU को बिल्कुल नहीं छेड़ा, नीचे पावर है, पावर को हमने नहीं छेड़ा, चार्जिंग AC को हमने नहीं छेड़ा, डायरेक्टली हमने MMC पे अटैक किया। ये एक अंदाजे पर हमने काम नहीं किया है फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप काम सालों से करते हैं, जब आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि कहाँ पे क्या चेकिंग करनी होती है। बहुत सारे वोल्टेजेस होते हैं PCB के अंदर, LDO वोल्टेजेस होते हैं, बक लाइंस होती है, या फिर कुछ MMC के वोल्टेजेस होते हैं जिसे हम VCC क्यों कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे वोल्टेजेस होते हैं, बहुत सारी लाइंस होती है, सप्लाइयाँ होती है, एक एक IC की ट्रिक्स होती हैं। दोस्तों जो हम फॉल्ट को फाइंड आउट करते हैं, जो डायग्नोस करते हैं, इसके सिंपल से ट्रिक्स होते हैं, शॉर्टकट मेथड्स होते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं। PCB के अंदर ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं जिसे आप चेक करके इजीली डायग्नोस कर सकते हैं, वो हम आपको क्लास में सिखाएंगे। ऐसे YouTube में आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए, आपको कोई भी प्रॉपर तरीके से बताएगा नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स जो बच्चे पैसा देकर टाइम निकाल कर अपना दुकान को बंद करके आते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं, तो वो बंदे हमारे साथ जब 20 दिन रहते हैं तो उनको बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि कौन सा काम क्या करना है, क्योंकि हमारी जो क्लास होती है इसके अंदर बच्चे 15-20 हैंडसेट अपने साथ लेकर आते हैं जो कि क्लास के अंदर रिपेयर होते हैं।
60 से 70 हैंडसेट हमारे क्लास में रिपेयर होते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे सिर्फ डायग्नोस करके बच्चों को नहीं दे देते, बल्कि लाइव प्रैक्टिकल उसे बना कर देते हैं। बच्चे खुद बैठ कर क्लास में बनाते हैं, हम कुछ हैंडसेट बनाते हैं, बच्चे कुछ हैंडसेट बनाते हैं, उसके बाद फ्रेंड जो बच्चों को समझ में आता है, इतने सारे हैंडसेट बन जाते हैं 60-70, तो उनको फॉल्ट को फाइंड आउट करना, डायग्नोस करना बहुत ही ईजी हो जाता है। क्योंकि जब शाम में आप देखते हो इतने सारे हैंडसेट रिपेयर हो रहे हैं, तो एक ही चीज़ को आप जब बार बार देखोगे, उसे आप चेक करोगे, लाइव खुद के हैंडसेट पे चेक करोगे, तो बहुत इजीली आपको फॉल्ट मिल जाएगा। जो आपने पढ़ा है इतने दिन से वही चीज़ आपको देखने को मिलती है, तो बहुत आसानी से आप मोबाइल बना लेते हैं। मैंने देखा है काफ़ी सारे बैचेस में बच्चे जो अपने साथ सेट्स लेकर आते हैं वो खुद बना लेते हैं, क्योंकि जब उनको समझ में आ जाता है कि एक डेड मोबाइल को डायग्नोस कैसे करना है, एक EMMC के फॉल्ट को डायग्नोस कैसे करना है, DC की स्विचिंग कैसे चेक करना है, सिस्टम को लगा के हमारे PCB को चेक क्या करना है, वोल्टेज मेजरमेंट कहाँ पे करना है, कहाँ के EMMC के वोल्टेजेस कैसे चेक करना है, पावर के आउटपुट्स कैसे चेक करना है, DC to DC के इनपुट और आउटपुट कैसे चेक करना है, CPU वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वर्क कर रहा है तो उसके क्या वोल्टेजेस है, ये सब कुछ हम क्लास में आपको सिखाते हैं। दोस्तों ये जब सब कुछ आप सीख लेंगे, हैंड स्किल का काम सीख लेंगे, सर्किट की नॉलेज अगर सीख लेंगे, कोई भी सेट आपका वापस नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर आप प्रोफेशनल वे में अगर काम करेंगे, एक अच्छे अंदाज में काम करेंगे, सीख कर काम करेंगे, दोस्तों सीख कर काम करना और अंदाजे पे काम करना, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है, बहुत ज़्यादा फर्क होता है। क्योंकि फ्रेंड जब आप सीख कर काम करते हो तो एक प्रोफेशनल तरीके से काम करते हो, एक अच्छे अंदाज में काम करते हो, और आपको समझ में भी आता है कि कहाँ पे आपको काम करना है। यही चीज़ है फोन फिक्स हैदराबाद के बच्चे जो जाकर काम करते हैं फ्रेंड्स, उनको समझ में आता है कि कौन से सेक्शन में काम करना है, कौन से IC कब खोलना है, कौन सी IC पे कैसे प्रोग्रामिंग करना है। ये जब आपको समझ में आ जाता है फ्रेंड्स, तो PCB को आप ऐसे हाथ में खिलौने की तरह खेलेंगे और उसे देखने का आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। यही चीज़ है फ्रेंड्स जो कि आपको फोन फिक्स हैदराबाद की टीम आपके साथ रह करके, आपको सपोर्ट करके, एक आपके नॉलेज को बढ़ाते हैं, आपके नज़रिए को बदल देते हैं। PCB को देखने का आपका नज़रिया बदल जाता है, आप PCB के साथ खिलौनों की तरह खेलेंगे, सेक्शंस को आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि डायग्राम जब रीड करने आपको आ जाता है, स्कीमेटिक आपको जब समझ में आ जाता है, तो आगे आने वाले समय में कोई भी नया हैंडसेट आ जाए तो आप उसे बहुत ईजिली रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना आपको समझाने का मेरा मकसद यही है कि बच्चे बहुत सारे कॉल करते हैं, पूछते हैं मुझसे, तो ये वीडियो में आपको सारा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आंसर मिल गया होगा। क्योंकि फ्रेंड मेरे यहां पे जो टूल्स मैं देता हूं पूरे जेन्यून टूल्स हैं, पूरे प्रोफेशनल टूल्स हैं, ऑर्डिनरी टूल्स बिल्कुल भी हम नहीं देते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हैंडसेट हमारा ऑन होते हुए, और देखते हैं ओप्पो के बाद ये वापस से रिस्टार्ट हो रहा था कि अभी सेम प्रॉब्लम है कि सेकंड लोगो आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड लोगो आ चुका है और यहाँ से ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग किए हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक का जो है फ्रेंड्स यहाँ पे रिस्टार्ट ये हो रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हैंडसेट ऑन होते हुए रिस्टार्ट तो नहीं हुआ है और प्रोग्रामिंग हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। डिस्प्ले पे नंबर है, कॉल करें, व्हाट्सअप करिए, ज़्यादातर हम डिटेल आपको व्हाट्सअप में दे देंगे, और आपको बहुत कुछ मिलने वाला है फोन फिक्स हैदराबाद टीम के साथ, बहुत कुछ नए नए अपडेट्स लेकर आ रही है फोन फिक्स हैदराबाद की टीम के साथ। रमज़ान में आप आ सकते हैं, सहरी इफ्तार में आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है, नमाज के लिए जगह है हमारे पास, आना है तो आप आ सकते हैं। और बाकी जो है क्लास में हम एक्स्ट्रा आवर्स देंगे आपको, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, कहीं टाइम ना कम ना हो जाए, एक्स्ट्रा टाइम देंगे, एक्स्ट्रा 2 घंटे क्लास और देंगे प्रैक्टिकल के लिए, डोंट वरी ब्रदर्स, आप आ सकते हैं। अच्छे से काम सीखिए, अपडेट करिए अपने आप को, सीख कर काम करिए। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा हैंडसेट ऑन हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से रिपेयर हो चुका है। और वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक और यूट्यूब पर, ताकि दूसरे भाइयों तक हमारा वीडियो पहुंचे। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आपसे, एक छोटा सा सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को, बाजू बेल आइकन को दबा लीजिए, नीचे एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। मिलते हैं इस तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।